हाँ भाई लोग, राम राम। खैर, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस पूरे स्कूल के और पूरे ब्रह्मांड के कॉलेजेस में उपलब्ध मिलेगा। नहीं, मैं मैथ्स टीचर या पीटी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आशिक की। एक ऐसा आशिक जो रात को सोने से पहले अपनी क्रश का नाम लेके मुठ पेलता है और सुबह उठने के बाद भी उसका ही नाम लेके मुठ पेलता है। जी हाँ, मुठिया पेलना तो इनकी हॉबी है, बहुत अच्छी वाली वो भी। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज के इस नए दौर की बिना किसी चुतिया पे के। एक आशिक ना सिर्फ और सिर्फ एक आशिक होता है, हालांकि ये बात अलग है कि वो पार्ट टाइम चूतिया और फुल टाइम बकचोद होता है। अब जो हमारे कॉलेज और स्कूल के जो आशिक होते हैं ना, पहली बात तो ये अलग ग्रह से आए होते हैं, और मैं तो बोलता हूँ अलग ग्रह ही नहीं, इनका एक अलग ब्रह्मांड होना चाहिए। जी हाँ, इनको इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि स्कूल और कॉलेज इसमें प्रोजेक्ट के नाम पर क्या चल रहा है, इनको इस बात की पड़ी होती है कि किसका किसके साथ और कितनी देर तक चल रहा है। जी हाँ, इनका यही बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है फुल टाइम, इसी को तो बकचोदी बोलते हैं और स्वैग इसी में दिखाई देता है। इस टॉपिक पे ना आप भी सोचते होंगे कि इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता होगा। जी हाँ, तो इनको मोटिवेशन एक ऐसी जगह से मिलता है जिसको कोई कोई लोग ऑब्जॉर्व कर पाते हैं, कोई कोई नहीं ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की। जी हाँ, इनको मोटिवेशन मिलता है बॉलीवुड से, ना कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा से। हाँ, इनका मानना ये रहता है कि जैसे विराट कोहली ने अनुष्का के शादी की, और फिर हाँ रणवीर कपूर ने, सॉरी रणवीर सिंह ने दीपिका से शादी की, वैसे ही इनको लगता है कि इनका भी ऐसे ही चलेगा भाई, इन ये भी अपनी क्रश से ही शादी करेंगे। ऐसा मोटिवेशन लेकर के अपने दिमाग में फिरते हैं ये लोग। अब जिनको लगता है कि ये सब करने से अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तो भाई मैं पर्सनली तुमको एक बात कहना चाहता हूँ, घंट मराओ। अब जबकि आशिकी के इतने सारे फायदे होते हैं, तो भाई उनके भी थोड़े बहुत तो नुकसान हो गए ही ना। अब ना आशिक, ये आशिकी का लास्ट स्टेज होता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें भरोसा नहीं आशिक जिंदा रहे या मर जाए, इसके लिए ये आशिकी का लास्ट स्टेज होता है। जैसे कि प्लेट से अपनी क्रश का नाम लिखेगा, मुन्नी शीला रजिया रज्जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा निर्मला बिनबिना, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखते रहेगा। और हद तो तब हो जाती है कि जब लौंडा ये बोल देगा कि अपने प्यार के लिए वो झाट उखाड़ देगा, और उसी झाट को उखाड़ने के बाद चांद तोड़ लाएगा और उसी चांद में उसकी खेती करेगा। जी हाँ, फिर बोलेगा मम्मी पापा को छोड़ दूंगा, दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार की बकचोदियाँ आपको ये आशिकी में देखना ही मिलती है, यही तो होता है, इसके लिए तो इसको लास्ट स्टेज बोलते हैं। तो चलो यार, ख़त्म करते हैं आज का यहीं पे, राम रहीम का नाम लेकर के ख़त्म करते हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके, आप लोगों की, प्लीज़।